हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने होंडा एविटर पे वीडियो बना रहा हूँ। ये होंडा एविटर 2050 मॉडल BS3, और आज इसको 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने 4 जून 2015 को परचेज़ किया था, और आज 4 जून 2021 है। इसका कंडीशन दिखा देता हूँ आपको, बाइक स्कूटर का। और अगर आप बोलोगे तो इस पे मैं प्रोज एंड कॉन्स पे भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। ऐसा कुछ है, और फ्रंट लुक दे देता हुआ आपको। यह अभी मैंने वॉशिंग किया है और उसको पॉलिशिंग भी कर दिया है। ऐसा कुछ है, एक मिनट इसको ऐसा पलटा के भी दिखा देता हूँ। टायर लुक इस पर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो डिटेल वीडियो, 6 ईयर माय एक्सपीरियंस, तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और राइट साइड से भी लुक दिखा देता हूँ टायर का, रिम का। ज़्यादातर रिम रस्टी हो जाते हैं, पर मैंने इसको हमेशा क्लीन करते रहा है तो सब बढ़िया चल रहा है। ऐसा कुछ है, साइड लुक दे देता हूँ आपको। इसको इग्नोर करना, ये मेरी इधर की बिल्ली ने कर दिया है वो काम तमाम इसका। ये थर्ड सीट कवर है, दो पहले ही फाड़ चुका है। ऐसा कुछ है, इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। ये इसका, और ये इसका डैशबोर्ड, इसका डैशबोर्ड फेड हो गया है। ये मीटर खुल जाता है ना तो ऐसे ही होता है, मीटर अगर खुलने के बाद आप इसको रिपेयर करते हो तो ये इसका डैशबोर्ड फेड होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर गैस रहती है अंदर में, वो कुछ कोटिंग किया हुआ रहता है ग्लास पे, वो कोटिंग हट जाने के कारण ऐसा हो जाता है ये सिस्टम। ऐसा कुछ है, और आपको एक अभी बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। 1 2 3, ये हेलमेट, ये काफ़ी पुराना हेलमेट है, इसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है स्पाइडरमैन की लुक में। कमेंट कर देना कैसा दिख रहा है हेलमेट। ये बहुत इजी है, आप घर पे भी बना सकते हैं इसका हेलमेट। ऐसा दिखता है, ये दूर से दिखा देता हूँ आपको, ऐसा है। और साइड लुक भी दे देता हूँ आपको कि इसके साथ, ये ऐसे ही रखा हुआ था तो मैंने बना लिया, फेंकने लायक था वो हेलमेट, उसको पूरा रिस्टोर कर दिया है मैंने स्पाइडरमैन की लुक में। और ये है गाड़ी का साइड लुक, उस साइड में थोड़ा अड़चन हो रही है इसलिए उस साइड का दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको, तो भी दिखा देता हूँ। एक भी डेंट नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि इसका साइड, आप बोलोगे तो डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं इसका, क्या क्या मुझको प्रॉब्लम आई है इसमें, तो प्रॉब्लम आई है मुझको 2-3, आपके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट कर दोगे तो। ऐसा कुछ है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक और इंजन से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है इसमें, सब बढ़िया है। ऐसा कुछ है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा, हेलमेट कैसा लग रहा है आपको वो भी कमेंट करो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाना चाहिए नहीं वो भी कमेंट कर देना। एक अच्छा सा, सिक्स ईयर से मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस का आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और इसमें मॉडिफिकेशन भी किया हुआ है मैंने थोड़ा, उसका भी बोलेंगे तो उसका भी फुल डिटेल वीडियो, फुल जितना भी मॉडिफिकेशन किया है उतना पूरा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं। एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।